सब्सक्राइब कीजिए इन्फो ब्यूरर चैनल को ऐसे ही हर बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम रिव्यू करेंगे बजाज प्लैटिना कम्फर्टेक 100 इस वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा साई सर्विस शोरूम का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। ये गाड़ी बजाज की एक ओल्ड मॉडल है और ये बाइक कम्यूटर सेगमेंट में आती है, या फिर कहे ये एक ऑफिस बाइक है। इस बाइक के डिज़ाइन, स्टाइल और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। हेडलाइट का देखें तो ये ठीक ठाक बड़ा है और उसके ऊपर आपको LED DRLs मिलेगा। DRLs मीन्स डे टाइम रनिंग लाइट। इसका इस्तेमाल फॉगी और रेनी सीजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी बाइक दूर से ही दूसरे राइडर को हाईलाइट होगी। ये अच्छे खासे ब्राइटर है और रात को भी एक पार्किंग लाइट जैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, और दिखने में भी ये डिसेंट है। इस वर्जन में आपको फ्यूल टैंक के ऊपर प्लैटिना नाम का स्टिकर मिलेगा। 3D एम्बलम आपको प्लैटिना एच गियर में मिल जाएगा। साइड पैनल और टेल सेक्शन भी ग्लॉसी और अट्रैक्टिव है। पेंट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरह से की गई है। गाड़ी में आपको लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड मिलेगा और पिलियन के लिए जो पैर रखने के लिए पैडल है वो बड़े है, और उसके ऊपर रबर कोटिंग मिलेगा जिससे पिलियन का कम्फर्ट बढ़ जाता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको इस बाइक में प्रीमियम स्टाइलिश इंडिकेटर्स मिलेंगे, जो गाड़ी के लुक में बढ़ावा डालते हैं। आपको चेन पे कवर मिलेगा जिससे आपके बाइक की चेन की लाइफ इम्प्रूव होगी। ग्रैब रेल मजबूत प्रतीत होते हैं और साथ ही साथ सीट की तरफ देखें तो ये वेल कुशन है, और अच्छे सीटिंग पोस्चर के साथ ये सीट थोड़ा लॉन्ग भी है, जिससे इस पर मीडियम हट्टे कट्टे राइडर एज वेल एज पिलियन को ज़रूर कम्फर्ट मिल जाएगा। और आपको सीट के टेल सेक्शन पे कम्फर्टेक की प्रीमियम ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, और उसी के साथ आपको टैंक पैड्स भी मिल जाएंगे। ये बाइक दो कलर में अवेलेबल है, एक जो आप देख पा रहे हो और एक ब्लैक टाइप में मिलेगा। बाइक में आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाता है, और ये कंसोल आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज ये इंफॉर्मेशन दिखाएगा, और बेसिक इंडिकेटर्स कंसोल पे अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो आपको इस बाइक में 102 cc 4 स्ट्रोक DTSI सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लायंट इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टेड इंजन मिल जाएगा। पावर आपको मिलेगी 7.9 PS एट 7500 RPM, और टॉर्क आपको मिलेगा 8.3 Nm एट 5500 RPM। गाड़ी में 4 स्पीड गेयरबॉक्स अवेलेबल है और टॉप स्पीड आपको 90 KMPH के आसपास मिल जाएगा। अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आपको 60 to 67 KMPL माइलेज मिल जाएगा, और इकोनॉमी स्पीड पे गाड़ी चलाते हो तो आपको 70 to 78 KMPL तक माइलेज मिल जाएगा। सस्पेंशन का देखा जाए तो आपको इसमें आगे 135 mm के हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, और पीछे मिलेगा 110 mm ट्रैवल के स्प्रिंग इन स्प्रिंग विथ नाइट्रो गैस सस्पेंशन। ऐसे सस्पेंशन हर एक बाइक प्रोवाइड नहीं करती, तो राइडर एज वेल एज पिलियन को जरूर कम्फर्ट मिल जाएगा। ब्रेकिंग का देखा जाए तो आपको ए बाइक अब डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ मिल जाएगी, और इसमें आपको एंटी स्कीडिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाएगी, जिसका मतलब है सपोज आप रियर वाला ब्रेक लगाते हो तो उसी के साथ कैलकुलेटेड अमाउंट में आगे वाला ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण आपकी गाड़ी स्कीड नहीं होगी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो आगे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, और पीछे मिलेगा 110 mm का ड्रम ब्रेक। फाइनली अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर, जो अच्छी है। व्हील की साइज है 17 इंच, और गाड़ी में ट्यूब टाइप टायर मिल जाएंगे। लेंथ है 2006 mm, विथ 713 mm, हाइट 1100 mm, व्हील बेस 1255 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm, कर्व वेट मिलेगा 119 kg। तो इस बाइक की एक शोरूम प्राइस इन पुणे है 62,500 rupees के आसपास, और अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाननी हो तो, और आप पुणे रीजन में आते हो तो साई सर्विस शोरूम पे जाके ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।